ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल क्लियर? वॉइस आप सबको अच्छा दिख रहा है? सही बताइए, सारी चीज़ें क्लियर है? चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है और नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि हिंदी जो सब्जेक्ट है वो सब लोग यही बोलते हैं कि इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पे सब इंजीनियर के लिए पढ़ रहे हैं और इंजीनियर्स की एक प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदी सब्जेक्ट को थोड़ा कम समझ पाते हैं। तो मैं पूरा होपफुल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसमें और हिंदी को पूरा एक इजी वे में आपको लेके चलूंगा, ठीक है? चलिए, तो आज हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले हम वर्णमाला को आज समझेंगे कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं आज का कुछ, हमारा जो सब इंजीनियर है उसका सिलेबस को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पूछा जाएगा इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 2011 से लेकर अभी तक 2018 तक पेपरों की एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने पाया है कि हमारे जो सब इंजीनियर का पेपर है उसमें 14 से लेकर 15 मार्क्स का हमारा हिंदी का सब्जेक्ट पोर्शन जो है वो कवर करता है, ठीक है? तो इस हिंदी सब्जेक्ट में हमको 15 में 15 लेके यही चलना है कि हमको 15 नंबर पूरे गेन करना है हिंदी में, क्योंकि हिंदी कुछ ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है जो आपको 15 नंबर लाने में प्रॉब्लम देगा, ठीक है? और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपसे कि 15 में 15 नंबर ले आए। चलिए, तो हमारा आज का जो सिलेबस है उसको सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारा बेसिकली देखा जाए तो हम सबसे पहले देख रहे हैं इसमें विलोम शब्द, जिसको बोलते हैं एंटोनिम्स। तो विलोम शब्द होते क्या है? किसी भी वर्ड का या फिर किसी भी शब्द का उल्टा, ठीक है, वो होते हैं विलोम शब्द। तो इसमें विलोम शब्द हम देखेंगे और बहुत सारे विलोम शब्दों को हम इसमें याद करेंगे कि कौन कौन से विलोम शब्द होते हैं और टफ से टफ जितने अभी तक पूछा गया है उन सारी चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है? गुड इवनिंग भारती, गुड इवनिंग सुमित, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो अपन ने विलोम शब्द देखा, देखते हैं फिर उसके बाद में कंप्रेशन पैसेजेस आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैसेज दे देगा आपको पूरा और पैसेज में पूछेगा कि आपको उस पैसेज का पूरा शीर्षक क्या है वो बताना है, और उसी पैसेज से आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो या तो वो हो सकता है आपका उसी पैसेज के अंतर्गत जो भी अंदर क्वेश्चन बनते हैं उसको दे देगा, या फिर उससे विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा, ठीक है? तो ये पैसेज में हम ये देखेंगे। देन आता है उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक। तो ये जो सारा चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा सिलेबस में, किसी भी एक पॉइंट को वो क्या करेगा, फिलिंग द ब्लैंक में दे देगा। आपको वहां से चूज करना है कि उसमें कौन सा वर्ड आएगा। ये तो सबसे पहले आप जानते हैं, मुझे उतने समझाने की जरूरत नहीं है, बट हमारा क्या है कि सिलेबस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? लक्ष्मण, गुड इवनिंग, योगेश, गुड इवनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा मेन पोर्शन आता है ग्रामर का, व्याकरण का, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक। इन चार चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं और ग्रामर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? तो हम इसको भी देखेंगे। देन उसके बाद में आता है एडमसन फ्रेजेस, मुहावरे और वाक्यांश, ठीक है? तो मुहावरे और वाक्यांशों में हम देखेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि आंखों का तारा होना, एक आता मुहावरा आंखों का तारा होना, तो उसका मतलब क्या होता है? किसी का मतलब माता पिता का प्यारा होना या फिर दोस्तों का प्यारा होना, तो उसका मतलब ये होता है प्यारा होना, ठीक है? तो ऐसे कुछ मुहावरे आएंगे, उसको प्रयोग करना है, उदाहरण में दिया रहेगा आपको, एग्जाम्पल करके दिखाना उसमें कैसा क्या है। देन उसके बाद में मुहावरे आएंगे, फिर उसके बाद में आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है? देन हमारा समास, समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट का, इसमें से 2 से 3 नंबर का पूछता है और संधि में से 2 से 3 नंबर का पूछता है, इसमें से तो बिल्कुल आपके कटेंगे ही नहीं नंबर एक भी, ठीक है? और उसके बाद में समानार्थक शब्द और वोकेबुलरी मतलब शब्दावली, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है इतना, ठीक है? 11 टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट में, लेकिन मैंने ये पाया है जब एनालिसिस किया मैंने पेपरों का, तो उसमें से कुछ जो है अलंकार से भी पूछ रहा है क्वेश्चन, रस से भी पूछ रहा है, उपसर्ग प्रत्यय से भी पूछ रहा है।
तो मैंने ये सोचा क्यों ना इसको भी कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि हमको क्या करना है, 15 में से 15 नंबर पूरे गेन करना है, ठीक है। तो इन इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अब रही बात क्या, हम सिलेबस को तो कर लेंगे कंप्लीट, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हमको डेली डेली बेसिस पे हमको याद करना पड़ेगा। ये मैंने 5 याद करना है डेली, ठीक है, डेली बेसिस पे इसको क्या करना है, याद करना है। जैसे कि विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मुहारे, इनको क्या है एक बेस बना के हमको डेली याद करना है, ठीक है। हमारा यही टॉपिक जो हैगा, ये अभी हम 3 चीज़ें उठा रहे हैं, कौन कौन से, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अभी ये 3 चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा डेली, और इसमें क्या है, हमारी जो 15 मिनट की क्लास होगी, हम एक एक मिनट का एक क्वेश्चन को देंगे टाइम, और आपको याद करके आना है 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची शब्द और 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देन उसके बाद में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डेली का होमवर्क रहेगा। अब याद कहाँ से करना है सर, ये भी बता दीजिए। तो याद कहाँ से करें, ठीक है, याद हमको कहाँ से करना है, आपको मैं PDF दे दूंगा आज या कल, मैं आपको PDF दे दूंगा इन तीनों चीज़ों की, तो आप वहाँ से याद करते चले, ठीक है। और बहुत ही इजी तो नहीं, हम टफ चीज़ें को याद करें, क्योंकि इजी चीज़ें तो हम पहले से याद करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारा काम है टफ चीज़ों को याद करना, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आज का क्या हुआ, पूरा सिलेबस डिस्कस किया। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला, और वर्णमाला को समझने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हिंदी को समझेंगे, क्योंकि हिंदी जो है सब्जेक्ट, हिंदी कैसे आई इसको समझते हैं हम सबसे पहले। चलिए, इतने ही बच्चे हैं हमारी क्लास में, क्या और भी हैं, जल्दी बताइए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी, हम हिंदी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, उससे पहले हम हिंदी को जान लेते हैं कि कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो जो हिंदी है ये क्या है, फारसी शब्द का, फारसी से आया है, फारसी, ठीक है, ये फारसी शब्द है। उसके बाद में हम देखें तो जो हिंदी है ये देवनागरी लिपि है, इसकी लिपि क्या पूछेगा आपको, लिपि क्या है, तो आप बताएंगे क्या, देवनागरी लिपि, ठीक है, क्या, देवनागरी लिपि। अब आप लिपि से क्या समझते हैं, तो लिपि वह होती है जिसमें हमको ये पता चलता है कि किसी भी चीज को लिखने का ढंग, ठीक है, कि वह कैसा लिखा जाता है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो सब्जेक्ट है या फिर हिंदी जो हम लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, थम्सअप कर दीजिए आप जल्दी जल्दी, थम्सअप करें जल्दी से, आपको सब क्लियर है ना यहाँ तक अभी, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारी हिंदी है वो क्या है, मातृभाषा है हमारी, तो यहीं से एक क्वेश्चन उठता है कि हमारी जो मातृभाषा है तो भाषा मतलब क्या, भाषा क्या होती है, तो भाषा का वह साधन, या फिर हम बोले जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य या फिर हम कोई भी चीज़ को मौखिक रूप से, लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से अगर समझे, विचार करे या फिर किसी को क्या करे, स्पष्ट रूप से समझा सके, वही क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है, क्या, भाषा होती है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के प्रकार, कितने प्रकार की भाषा होती है, किसी को पता है, बताइए, किसी को पता हो तो बताइए, भाषा कितने प्रकार की होती है, चलिए, भाषा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखें तो भाषा एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित,
और एक होती है सांकेतिक, है ना। भाषा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब जब हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, जब हम क्या बच्चे रहते हैं और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करते हैं, तो हमको जो टीचर है वो कैसे समझाते हैं? सांकेतिक भाषा से समझाते हैं, संकेतों के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि टीचर ने बताया कि ये अ है, इसको इंग्लिश में ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने तब से याद कर लिया कि ये अ है, क्या है? अ है। तो हम जब भी बच्चे रहते हैं तब कहाँ किस चीज़ से सीखते हैं, कौन सी भाषा सीखते हैं? तो सांकेतिक भाषा हम सीखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको? गुड नवीन जी, बहुत अच्छा। लक्ष्मण, आपने बताया तीन, वेरी गुड। लिमेश जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम बच्चे रहते हैं तो सांकेतिक भाषा से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि जो भाषा है, सबसे पहले भाषा का जो जर्नी रही है वो कैसे भाषा बनी है, ठीक है। तो भाषा देखा जाए तो सबसे पहले हमारी हिंदी में ध्वनि आई। क्या आई? ध्वनि आई। अब ध्वनि क्या होती है बताइए, ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि वह होती है जो मौखिक भाषा की, ध्वनि वह होती है जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, जिसको देखा ना जा सके, सुना जा सकता है, बस उसको सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे, वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ कि ध्वनि वह होती है जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे। तो वही क्या होती है? ध्वनि होती है। अब यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन उठता है हमारी एग्जाम में कि जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपको क्या बताना है? ध्वनि। बहुत प्यारा क्वेश्चन उठता है ये कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या बताना है आपको? ध्वनि बताना है, ठीक है। अब ध्वनि के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? वर्ण आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बताइए? वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण वह होते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हम। क्या? और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि हम आ बोल दिए तो आ के और टुकड़े कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं क के हम टुकड़े कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये क आधा हो जाएगा और ये अ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके टुकड़े कर सकते हैं लेकिन अ के और टुकड़े नहीं कर सकते। वैसे ही वर्ण की डेफिनेशन क्या होगी? तो वर्ण वह होते हैं जो लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। और आज का हमारा टॉपिक भी है वर्णमाला, तो इसको अच्छे से आप समझेंगे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। पुष्पेंद्र सर, ठीक है, ओके। योगेश, क्लियर है? बिल्कुल सर। राजेश्वर, ओके, ऑल क्लियर। अब चलिए हम देखते हैं, अब ध्वनि भी आ गई, वर्ण भी आ गया, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आता है हमारा शब्द, ठीक है। अब इसमें घबराना नहीं है, कभी कभी कुछ पूछ लेता है कि पद क्या होता है, तो पद और शब्द एक ही होता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये पूछेगा कि शब्द क्या है या फिर पद क्या होते हैं,
ठीक है, तो इसमें आपको बताना है वर्णों के सार्थक रूप को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णों के सार्थक रूप को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। वर्णों के सार्थक रूप को ही हम वर्ण शब्द बोलते हैं, सॉरी शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक का जो पॉइंट बता रहा हूँ बीच बीच में आप उसको नोट करते जाइए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि अभी यहाँ पे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, वर्ण बताना है। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, ध्वनि होती है। ठीक है, तो इसमें आपने इतना देखा। अब शब्द, अब मैंने आपको एक चीज और बताया यहाँ पे पद क्या होते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि मैं बोलूँ कि राम खाना खाता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि राम खाना खाता है, तो देखिए इसमें अगर मैं खाने को यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ, रेखांकित कर दूँ, तो ये अब क्या शब्द नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखें पद और शब्द एक ही होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लक्ष्मण लिख भी सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ आप एक नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको क्लियर होते जाएगा। अगर आप नोट्स के बहाने रहेंगे तो सिर्फ वीडियो को ओरली देखेंगे, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। इसलिए अपने पास एक नोट्स ज़रूर रखें और नोट्स साथ में बनाते भी जाएं। नोट्स तो आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप एक नोट्स शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाते जाइए क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम ना हो। और एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत जल्दी आदमी भूल भी जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं। ठीक है लक्ष्मण, समझ में आया? चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे ही शब्द आए उसके बाद में क्या हुआ, वाक्य आए, वाक्य बनता है। ठीक है, तो वाक्य क्या होते हैं, वाक्य वह होते हैं जो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य क्या होते हैं, सार्थक शब्दों के समूह के व्यवस्थित क्रम को हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वह खाना खाता है, ठीक है, या फिर मैं खाना खाता हूँ, राम खाना खाता है, ये सारी चीज़ें एक वाक्य के रूप में हो जाता है, सेंटेंस के रूप में हो जाता है, तो आप इसमें ये याद रखें। ठीक है, अब इसी के बाद में जैसे ही वाक्य बनता है उसके बाद में भाषा बन जाती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाषा। ठीक है, और भाषा जो है वो हमारी हिंदी है, और हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा बिल्कुल आनी चाहिए हमको। ठीक है, तो भाषा की मैंने डेफिनेशन बता दिया था आपको कि भाषा वह है जो हम संकेतों के माध्यम से लिखित भाषा के अनुसार, या फिर लिखित या फिर मौखिक भाषा के अनुसार किसी चीज़ को हम क्या करें, डेफिनेट कर सके या फिर उसको समझा सके स्पष्ट रूप से, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया, जल्दी थम्स अप करें। अब चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, भाषा की डेफिनेशन भी देख ली है हमने, इसका ये आप इसकी जर्नी देख लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए आप कि कैसे कैसे हमारी भाषा बनी। ठीक है, इसको आप लिख लो कहीं, पहले ध्वनि आई, फिर वर्ण आए, फिर शब्द आए, वाक्य आया, फिर भाषा आई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी जो खड़ी बोली है, ये इसकी जर्नी कैसे रही है। ठीक है, इसकी जर्नी कैसी रही है। ओके भूपेंद्र जी, ओके क्लियर है। ओके लोकेश, लिमेश, राहुल, भारती, प्रतीक, स्वादी, शिवांगी, ठीक है। ओके ओके ओके, आपको सब ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं आगे, और हमारा अब टॉपिक है क्या कि हिंदी की जर्नी कैसे रही है। तो सबसे पहले हिंदी देखते हैं जो हमारी खड़ी बोली है। क्या है खड़ी बोली है? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत। संस्कृत के बाद जैसे ही आगे चलते हैं हम, तो क्या आया? पाली। देन उसके बाद में हम देखते हैं प्राकृत। प्राकृत ठीक है, फिर अपभ्रंश, अवहट और हमारी खड़ी बोली हिंदी। हिंदी या फिर इसी को बोला जाता है क्या, इसी को क्या बोला जाता है? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी ठीक है। तो ये हमारी हिंदी की जर्नी रही है। सबसे पहले संस्कृत, देन उसके बाद में पाली, देन उसके बाद में आपका प्राकृत, देन अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली या फिर प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो ये हमारी जर्नी रही है हिंदी की। अगर हम देखें तो जो पाली भाषा है, तो पाली भाषा जो है हमारे गौतम बुद्ध जी है, उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो आप क्या बताएंगे? पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध जी के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। ठीक है, आप ये याद रखें, क्योंकि हमारे आइट साइड से भी जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी हमको क्या करना है? कवर करते हुए चलना है। ठीक है, आप कोई बता सकता है कि प्राकृत जो है, प्राकृत जो भाषा है हमारी, उसमें उस यानी इस भाषा में किसने उपदेश दिया था? मैंने आपको हिंट के तरीके से आपको बता दिया हूँ कि पाली में गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे, वैसे प्राकृत भाषा में किसने दिए, आप बता सकते हैं? यस और नो, जल्दी कमेंट करें, कमेंट नहीं आ रहा है आपका। चलिए मैं बताता हूं, जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में क्या हुआ कि जो हमारे महावीर स्वामी जी है, स्वामी है, उन्होंने अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया है कि प्राकृत भाषा में अपने उपदेश किसने दिया था? महावीर स्वामी जी ने दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वर्णमाला, हमने हिंदी को यहां तक समझ लिया, क्योंकि हिंदी को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो हमने हिंदी समझ लिया, अब आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। अब वर्णमाला को हम समझते हैं। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम वर्णमाला में। मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर इंजीनियर, सो प्रॉब्लम तो आती है, कोई बात नहीं है, पर हिंदी के लिए मैं हूं, आपको 15 में 15 नंबर मेरी जिम्मेदारी है, ले आना। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला मतलब आप क्या समझते हैं? वर्णमाला मतलब आप क्या समझते हैं? देखो वर्णमाला मतलब क्या, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं।
अब इसमें से हम देखें तो हमारे हिंदी हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको पता है 52, ठीक है। जस्ट इंग्लिश का डबल 26 होते हैं उसमें इंग्लिश में, और इसमें 52 होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है कि 52 वर्ण होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें से हम देखें तो जो हमारी कोई बात नहीं भूपेंद्र, चलिए अब क्या होता है, जो हमारे 52 वर्ण है इसमें से आप समझते हैं कि ध्वनि हमने आपको बताया था और वर्ण बताया था, ठीक है। तो हम वर्ण देखते हैं या ध्वनि बोल दीजिए इसको, तो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है। तो स्वर मतलब क्या, स्वर मतलब वह जो जिसको बोलते वक्त कम टाइम लगता है, या फिर हमारी जो वागिंद्रियाँ हैं, वागिंद्रियाँ मतलब क्या, हमारे मुंह में जो रहते तालु रहता है, उसके बाद में जीभ रहती है, दंत रहते हैं, तो ऐसे वर्ण जो हमारे किसी भी वागिंद्रियों से टकरा कर नहीं निकलते उनको हम स्वर बोलते हैं, या फिर किसी को उन वर्णों को बोलने में हमको ज़्यादा बोलने में दिक्कत नहीं आती, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अगर हम वहीं पे बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन वह होते हैं जो हमारी वागिंद्रियों से टकरा कर निकलते हैं, जैसे कंठ से निकलेगा या फिर दंत से निकलेगा, ओष्ठ से निकलेगा, तो व्यंजन वह होते हैं, या फिर व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलते वक्त स्वरों से दुगुना टाइम लगता है, अधिक टाइम लगता है, ठीक है। ओके योगेश जी, यही चाहते हैं हम कि आप भी मेहनत करें हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 100 में 100 आएंगे, ठीक है, 100% मेहनत करिए, 14 तो आपके पक्के हैं यही समझ लीजिए, ठीक है। नवीन जी क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। तो आपने अभी तक समझा क्या कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, तो स्वर और व्यंजन हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं स्वरों को, सबसे पहले स्वर, और उससे भी पहले हम देखते हैं जो है, आपने अगर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या फिर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बता दीजिए, मुझे पता लग जाएगा आप सही में आपको पता है यानी, ठीक है, तो आप बताइए ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए भाषा की सार्थक इकाई बोला जाए तो सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होते हैं, भाषा की सार्थक इकाई पूछेगा आपको, चलिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, क्या होते हैं, वाक्य होते हैं, ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होते हैं, इसको आप जरूर कहीं ना कहीं नोट करें क्योंकि ये आदमी भूल जाता है, ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है और हमको नहीं पता होता है, तो आपको क्या बताना है, वाक्य होते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं हम, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता है वर्ण या फिर, वर्ण या फिर ध्वनि होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं, ध्वनि या फिर वर्ण, ठीक है, ये होते हैं। आप बिल्कुल ध्यान लगाकर यहाँ देखते जाइए क्योंकि लास्ट लास्ट में मैं बीच बीच में एक क्वेश्चन भी डाल दूंगा, जो मैंने पढ़ाया अभी बीच में एक क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बिल्कुल ईजी है हिंदी, उतना टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, ये दो चीज़ों को नोट कर लें कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ सिर्फ इतना फर्क है कि सार्थक इकाई और सबसे छोटी इकाई, तो आपको क्या बताना है, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगर हम आगे चले तो वर्ण और अक्षरों
में क्या अंतर है? आपको पता है वर्ण और अक्षरों में क्या अंतर है? वर्ण और अक्षरों में क्या अंतर है? अगर मैं आपको बोल दूं कि काम, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं। बता सकते हैं आप? जल्दी बताइए। अगर आपको पता है तो यस करिए और नहीं पता है तो नो करिए, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाना, ठीक है? तो आप जल्दी बताइए, वर्ण कितने हैं इसमें और अक्षर कितने हैं, जल्दी बताइए। सार्थक मतलब शुद्ध, ठीक है योगेश जी? तो जल्दी इसका क्वेश्चन, ये आंसर बताइए इसका कि वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं। नो, नहीं, पुष्पेंद्र जी नहीं, नहीं, गीता नहीं, तीन नहीं होते, राहुल ना, वर्ण तो नहीं, अक्षर तीन नहीं, चलिए तो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो मैं आज से आपको डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि वर्ण और अक्षरों में तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम काम को तोड़ते हैं, ठीक है, काम को तोड़ते हैं तो अगर इसको हम हिंदी वर्णमाला में तोड़े तो कैसा बनेगा? क, ये आधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन तभी बनेगा स्वर की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो क को हम, काम को हम तोड़े तो क प्लस आ प्लस म आधा, क्योंकि इसमें भी क्या है, स्वर है, और जब भी हलंत लग जाता है किसी में तो क्या, आधा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या निकलेगा, अ निकलेगा, क्या निकलेगा, अ निकलेगा। तो इसको, काम को हमने तोड़े पूरा ऐसे, ठीक है। अक्षर दो, सही है, गीता सही बोल रही हैं आप, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी नहीं, अच्छा आप चलते हैं हम, ये क्या हुए, वर्ण हुए, तो वर्णों की संख्या कितनी हुई, एक दो तीन चार, तो वर्ण कितने हो गए, चार। अगर वही अक्षर की बात करें हम तो का प्लस म, तो इसमें कितने अक्षर हुए, एक और ये दो, तो हमारे अक्षर कितने हुए, दो, ठीक है। अब आपको समझ में आया, जल्दी थम्स अप करें, अगर समझ में आ गया होगा तो यस करें, और नहीं आया तो फिर से हम बताएंगे नो करिए, जल्दी करिए। अब चलते हैं हम, जो हमारे वर्णमाला है, वर्णमाला में 52 होते हैं लेटर्स, ठीक है, जस्ट इंग्लिश का डबल 26 और उसके बाद में 52 हिंदी में, ठीक है। अगर हम मूल स्वरों की बात करें, कुल कितने होते हैं, 52, कुल 52 होते हैं हिंदी में। अगर मूल स्वर पूछा जाए तो मूल वर्ण पूछा जाए तो कितने होते हैं, 44, ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे कौन कौन से। एक हिंट के तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, 33 व्यंजन होते हैं और ये 11 स्वर होते हैं, ये व्यंजन और ये क्या, स्वर, ठीक है। आप अभी इतना याद रखें, आपको लास्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगी 33 कौन कौन से हैं और स्वर 11 कौन से हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जिसमें से स्वर हमको बताना है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने हैं बताना है, ठीक है। अगर स्वरों की बात करें हम तो कितने होते हैं, 11 होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ री षी ए ऐ ओ और ओ, ठीक है। तो ये कितने हुए हमारे पास, 11 हुए, ठीक है, 11 हमारे क्या हुए, स्वर हुए, स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11, ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11 हुई। अगर कुल, अगर उच्चारण के आधार पर पूछे स्वरों का, स्वरों की संख्या,
सबसे पहले की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 11। ठीक है, अगर उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं या फिर 10 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर हम स्वरों की पूरी संख्या पूछे तो कितना, 11। ठीक है, अगर इसी के बाद में आपको पूछे कि परंपरागत रूप से, यानी या फिर आप ऐसी समझ ली कि अगर आपको सिंपल पूछे कि टोटल स्वर कितने होते हैं या फिर टोटल स्वर कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, कुल स्वर तो 13। अभी कैसे, इसमें अम और अह भी जुड़ जाता है, इसको मैं बाद में डेफिनेट करके बताऊंगा किसको अनुनासिक बोलते हैं और किसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अभी आप याद रखें कि कुल स्वर कितने, 13। अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, जल्दी थम्सअप करें। अब इस ऋषि का क्या रोल काल रहता है भैया, हाँ अगर हम ऋषि को देखें तो ये कभी भी क्या कहलाता है, क्र की जो आती है, जैसे कि र की रेफ जो आती है, जैसे हम बोलते हैं मातृभाषा, वो मातृभाषा नहीं होता है, मातृभाषा होता है, क्या होता है, मातृभाषा। ठीक है, हम बोलते हैं गृह प्रवेश, नहीं गृह प्रयोग, प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह कार्य, गृह कार्य, गृह कार्य, तो ये क्या होते हैं, अपने ऋषि से बनते हैं ये वर्ड। ठीक है, तो आप इतना याद रखें कि ये जो ऋषि है ये वाला है, मातृभाषा, गृह कार्य या फिर गृह प्रवेश, ये सारे चीजें ऋषि से होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया तो जल्दी थम्सअप करें ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको ऑल क्लियर है, जल्दी जल्दी करें। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने में हमको ये पता चलता है कि जो ये ऊ है, ठीक है, ये कौन सा है, कभी भी हम क्या लिखते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, और बड़े वाले को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। इसको अच्छे से देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए। अगर आपको मैं बोलूं, पहला दे रहा हूं रुपया और दूसरा दे रहा हूं मैं रुपया, कौन सा वाला सही है, जल्दी बताइए, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, जल्दी बताओ, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, जल्दी बताइए। बिल्कुल ऑल क्लियर है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लिमेश जी, गीता जी, राहुल जी, बिल्कुल, शिवांगी जी, पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है, जल्दी बताइए फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हम जब भी रुपया लिखते हैं तो ये वाला लिखते हैं, ठीक है, ना कि ये, बिल्कुल रॉन्ग है ये, हम इसको नहीं लिखते हैं, हर समय हमको ये वाला यूज करना पड़ता है, वो छोटा वाला। ठीक है, नहीं भूपेंद्र नहीं भैया, नवीन नहीं, योगेश बिल्कुल करेक्ट, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र जी सही है, बिल्कुल सही है, लक्ष्मण नहीं 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 लक्ष्मण नहीं, गीता भी नहीं। ठीक है, आप याद रखें हम रुपया कौन सा यूज़ करते हैं भैया, पहला वाला है, छोटा वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सर्च भी करें नेट पे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है और हमसे नहीं बनते हैं, जो हमको बिल्कुल बना के दिखाना है। ठीक है, अब हम आगे चलें तो आगे में एक और चीज नोट कर लें यहां पे कि जो ऋषि है, एक बनता है ये वाला, ठीक है, और एक बनता है ये वाला। ठीक है, ये जो है संस्कृत का है और ये वाला जो है ये क्या है, हिंदी का है। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लें तो आपको इजी जाएगा, कभी भी आप प्रोनंसिएशन करेंगे या फिर कभी पूछ लिया धोखे से तो आप इसको
बना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? अब क्यों कैसे बताऊं यार आपको, ठीक है कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखें कि रुपया जो है फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था वही वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। बेसिकली हम देखा जाए तो चार प्रकार के स्वरों को उच्चारित करके देखते हैं, तो स्वरों के प्रकार देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। आप इसको नोट कर ले जो मैंने ऋषि और ये वाला बताया ना संस्कृत का और हिंदी का, ठीक है। आगे चले हम तो स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार हम चार स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो तो बिल्कुल यस करके लिखिए, थम्सअप करें जल्दी से। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई, पूछू नहीं पूछू बताइए, इसी में बताइए आप कि गुरु हम कौन सा लिखते हैं, गुरु या फिर गुरु, जल्दी बताइए, फर्स्ट और सेकंड, जल्दी बताइए कौन सा गुरु लिखते हैं हम। ठीक है तो आपको जैसे कि पता ही होगा कौन सा वाला लिखते हैं, छोटा वाला, ठीक है, ऑलवेज छोटा वाला सेकंड, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम देख रहे थे क्या, स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, यस राहुल आप करेक्ट हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल नवीन, बिल्कुल लक्ष्मण जी, बिल्कुल योगेश जी, नहीं आपको जैसे ही बताया ना मैंने अभी, ठीक है योगेश जी नहीं, भूपेंद्र जी नहीं, आपको जो सेकंड वाला है वो सही है, ठीक है याद रखें। अब चलते हैं उच्चारण के आधार पर या फिर उच्चारण काल में, उच्चारण में लगने वाले समय, समय के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। इसमें ज़्यादा ही हिंदी होगी, आप लोग को पता होगा कि हिंदी सब्जेक्ट है, हम उसको इजी बना के तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, आप बस ये याद रखें। तो सबसे पहले हम देखें उच्चारण में लगने वाले समय, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम देखा जाए तो चार प्रकार के हैं। अब ये कौन कौन से, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ह्रस्व स्वर, ठीक है, बी हम देखेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा हम देखेंगे इसमें जो आता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और चौथा हम देखेंगे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है प्लुत स्वर। तो हम ये चार प्रकार के होते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है, या फिर प्रकार, इसको प्रकार कर लीजिए, ज्यादा ऑड लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आप इसके कितने होते हैं आप ये बताएं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होता है, जल्दी बताइए ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता हो तो यस करें, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए ये होते हैं चार प्रकार के, ठीक है। अगर इसकी बात करें दूसरे लैंग्वेज में, आपको पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर, तो हम सारी चीजों को लेकर चलते हैं। तो ह्रस्व स्वर पूछे
या फिर मूल स्वर पूछे, या फिर आपको पूछे एकमात्रिक, एकमात्रिक स्वर। तो ये किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर एकमात्रिक स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। गीता जी आपने सही बोला है, योगेश जी आपने भी सही बोला है, चार। आप कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता है छोटे वाले अ होता है, ई होता है, और ऋषि होता है, और ऊ होता है, ठीक है। तो ये चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अ ई ऊ कर लीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ऊ और ऋषि, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर बोला जाए तो ये चार प्रकार के होते हैं, छोटे वाले जिसको हम बोलते वक्त कम टाइम लगे, जैसे अ को बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, इजीली हम बोल रहे हैं अ, ई को बोलना चाहे तो ई, ऊ या ऋषि इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हमारे जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं, चार हैं, कितने हैं, चार हैं, ठीक है। राहुल जी बिल्कुल ठीक है, अब आगे चलें हम, तो आगे हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ठीक है, इसको और एक चीज आप इसमें देख लीजिए, किसी को लघु स्वर भी बोला जाता है, लघु स्वर, ठीक है। अब हम चलते हैं हम कौन सा, दीर्घ स्वर पर। तो दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं द्विमात्रिक। अब यहां पे आपने देखा होगा एकमात्रिक, क्यों बोल रहे हैं एकमात्रिक, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं लग रही मात्रा किसी की, ना अ की लग रही, ना ई की लग रही, ना ऊ की लग रही, किसी की भी नहीं लग रही, इसीलिए हम इसको एकमात्रिक, मूल स्वर या फिर लघु स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब चल रहे हैं हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब द्विमात्रिक, जिसमें दो मात्रा होती है। अब दो मात्रा वाले आप समझ गए होंगे कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हो रहे हैं सबसे पहले आता है आ, फिर ई बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो इसकी संख्या कितनी हुई, तीन, इसकी संख्या कितनी हुई, चार, ठीक है। तो आप याद रखें दीर्घ या फिर द्विमात्रिक की कितनी संख्या होती है, तीन होती है, और जिसमें डबल टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अ ई ऊ, ठीक है। उससे पहले हम देख रहे हैं आप, उसके बाद हम देख रहे हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए या सॉरी ए ए ओ और ओ, तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, चार होगी, और इसको बोलने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसको डबल जैसे स्वर हुए ना, स्वरों को क्या होता है, कम टाइम लगता है, अ ई ऊ इसको कम लग रहा है, वैसे ही हम दीर्घ स्वर की बात करें तो उसमें डबल टाइम लग रहा है, स्वरों की संख्या में ज़्यादा टाइम, आ हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्वरों से दुगुना टाइम लग रहा है। अगर उसके बाद में संयुक्त स्वरों की बात करें तो संयुक्त स्वर में लघु सॉरी दीर्घ स्वर से उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ए हुआ, ए हुआ, ओ हुआ, अ हुआ, तो इसमें क्या लग रहा है, ट्रिपल टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होगी, चार होगी। तो आपको कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, बिल्कुल आप तैयार हैं ना, तैयार हो तो बिल्कुल जल्दी से यस बोलिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे अनुभव भैया, ठीक है, आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। तो इसके बाद में हम देखें प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिसको बोलने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा मतलब जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम कितना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी को बुला रहे हैं जैसे हम समीर सर को बुलाते हैं, समीर सर यानी कितना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, यानी किसी को बुलाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो वही होते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूँ किसी का भी नाम ले लेता हूँ, जैसे राहुल का नाम ले रहा हूँ, किसी को बुला, राहुल को बुला, राहुल, तो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो वो होते हैं प्लुत स्वर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्लुत स्वर होते क्या है, टाइम कम लगाते हैं, टाइम ज्यादा लगाते हैं, टाइम नहीं लगाते, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो आपको क्या बताना है, सबसे ज्यादा जो टाइम लेता है वो प्लुत स्वर ही लेता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम बताएं तो
एक क्वेश्चन हमारे लास्ट टाइम शायद व्यापम का ही एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कि ऐसा कौन संस्कृत का ऐसा कौन सा शब्द है जिसको बोलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर जिसको हमने कहे में यूज़ किया था, मंत्रों में यूज़ करने वाला कौन सा स्वर है। तो आपको प्लुत स्वर बताना है जिसमें हम ओम की ध्वनि करते हैं, ठीक है, ओम की ध्वनि करते हैं, या फिर राहुल को बुला रहे हैं, ठीक है, तो राहुल को बुलाने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये होते हैं प्लुत स्वर। तो आप इसको नोट कर लें, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो उच्चारण के आधार पर लगने वाले कौन कौन से होते हैं, आप नोट कर रहे हैं क्या, कहीं बताइए यस या नो करिए, नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड हम देख रहे हैं, अब सेकंड देखते हैं हम कौन सा जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। ओके पुष्पेंद्र जी, नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा वेट करते हुए चलूंगा, नहीं तो एकदम से मिटा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। ओके योगेश, ठीक है सर, आप नोट कर रहे हैं तो वेल डन, बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपनी नोट्स जैसे आप तैयार करेंगे ना, जैसे अपने अपने हाथों से लिखेंगे ना, वो ज़्यादा समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू मेरे नोट्स। अगर आप मेरे नोट्स को आप याद करेंगे तो उतना आपके दिमाग में नहीं जाएगा, जितने अपने हैंड रिटन आप करेंगे वाली नोट्स जाएगा। तो आप याद रखें, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाते टाइम 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप एकदम पलटाए और याद हो जाए सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार याद दिलाता हूँ मैं कि हमारे 14 नंबर, अगर 14 नंबर पूछा तो 14 नंबर आना ही है, बिल्कुल आएंगे। तो इसके लिए शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके लक्ष्मण, ठीक है, राहुल जी आप भी नोट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप नोट करें, बिल्कुल नोट करें, क्योंकि आप टेक्निकल में सब्जेक्ट में देखिए, हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है, बहुत वास्ट है, ठीक है, यानी उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक। तो आपको क्या करना है कि अभी से ही जो पढ़ा रहे हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, नॉन टेक वाला हुआ, तो आप इसको कवर करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम देख रहे हैं इसमें क्या, जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब हमारी जीभ कैसी होती है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये होगी हमारी जीभ, थोड़ा ऐसी बनी है लेकिन आपको याद कराने के चक्कर में, ठीक है। अब ये हुआ हमारा फर्स्ट भाग, आप साइंस पढ़ेंगे उसमें भी आपको जैसे कि टेस्ट बताना रहेगा कि सबसे आगे वाली जो हमारी जीभ रहती है उसमें कौन सा टेस्ट आता है, बीच वाली में कौन सा आता है, उसके बाद में पस सबसे पीछे वाली में कौन सा आता है। तो आपको इसको टेस्ट भी बताना पड़ेगा जब आप साइंस पढ़ेंगे, अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए आपको वर्ण बताना है कौन से वर्ण निकल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा मध्य, और ये होता है हमारा अग्र। तो हम देखेंगे कि जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो सबसे पहला आता है हमारा क्या, अग्र, देन आता है हमारा मध्य, और देन उसके बाद में आता है हमारा क्या, पश्च, ठीक है। तो ये हमारे कितने प्रकार हुए, जीभ के आधार पर 3 प्रकार हुए, ठीक है। अब देखिए अग्र वाले भाग से कौन कौन से होते हैं, अग्र वाले भाग से बताइए कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 5, कौन कौन से, बड़ा छोटा ई, उसके बाद में बड़ा ई, फिर उसके बाद में ए, ए, और उसके बाद में आएगा ऋषि, ठीक है। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ई बड़ा ई, ए बड़ा ए, फिर ऋषि, ठीक है। तो ये कितने हुए हमारे, 5 जो है अग्रभाग से निकलते हैं, बोल के देखिए, अग्रभाग से ई बड़ा ई, ई ए, ए ऋषि, है ना, ये कहाँ से निकल रहे हैं, अग्रभाग से निकल रहे हैं, यानी सामने से निकल रहे हैं। आप थोड़ा सा ट्राई करिए, बिल्कुल मज़ा आएगा।
बोल के देखिए आप जल्दी से कि ई कहाँ से निकल रहा है, जल्दी से बताइए ई कहाँ से निकल रहा है, या फिर ऋषि कहाँ से निकल रहा है, फिर ए कहाँ से निकल रहा है, ए कहाँ से निकल रहा है, जल्दी बताइए। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, प्रैक्टिकल करने पर ही समझ में आती कोई चीज़ें। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग किया होगा, सिविल से किया, तो बिल्कुल आपने वहाँ एक्सपेरिमेंट किया होगा, लैब में किया होगा, तो वैसे ही हमको हिंदी में भी एक्सपेरिमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। अगर हम मध्य की बात करें कि यहाँ से कौन से निकलता है, कौन सा अपना वर्ड निकलता है, तो यहाँ से निकलता है अ, ओनली अ निकलता है अ, ठीक है। जैसे अ बोलेंगे तो जीभ में थोड़ा सा यहाँ गैप आ जाएगा, ठीक है, अंदर चले जाएगी, तो अ, ठीक है। ये कहाँ से होता है, हमारा मध्य से होता है। कंठ से नहीं हो रहा, अच्छे से उच्चारण करें आप। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं पस से, तो आ, उसके बाद में छोटा उ, बड़ा उ, देन उसके बाद में आता है अ, ओ और ओ, तो हमारे कितने हुए, ये कितने प्रकार हुए हमारे, ये पांच, ये कितने होते हैं, पांच होते हैं, ठीक है। ये एक होता है और ये होते हैं पांच, तो आपको कैसे चलना है, पांच एक पांच। अगर जीभ के माध्यम से पूछा जाए कि जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो आपको कितने बताना है, तीन प्रकार, उसमें अग्र में से पांच निकलते हैं वर्ड, मध्य से एक, और पस से कितने निकलते हैं, पांच निकलते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, थम्सअप करें जल्दी से। ओके, आ गया लक्ष्मण आपको, बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी क्या बोल रहे हैं आप, दो ठीक है। अब चलते हैं हम, कौन सा हमारे मुंह के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। अरे यार ठीक है, अब कहाँ चल रहे हैं हम, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, कौन सा पॉइंट है हमारा, ये तीसरा है, क्योंकि हमने सबसे पहले उच्चारण के आधार पर देखे, फिर जीभ के आधार पर, देन हम देख रहे हैं कौन सा तीसरा, मुंह खुलने के आधार पर। ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगर हम स्वरों के प्रकार की बात करें मुंह खुलने के आधार पर, ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम निवृत्त, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं ओपन, ठीक है। फिर उसके बाद में बी आता है अर्ध, अर्ध निवृत्त, इसको बोला जाता है हाफ ओपन। देन उसके बाद में आता है सी अर्ध संवृत्त, इसको बोलते हैं क्लोज, और इसको बोलते हैं डी वाले को संवृत्त, संवृत्त बोला जाता है, इसको बोला जाता है, सॉरी, इसको हाफ, हाफ क्लोज, और इसको बोला जाता है क्लोज। तो ये कितने प्रकार हो गए अपने, चार प्रकार हो गए मुंह खुलने के आधार पर, इसको भी देखना है अपने को, ठीक है। ओके, आपने सर्च करके बताया क्या अभी पुष्पेंद्र जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सर्च करें, ठीक है, ठीक है, ओके। आपको समझ तो आया कि गुरु कैसा लिखते हैं और रुबिया कैसा लिखते हैं, हमारे पास तो रोज पैसे रहते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कैसे लिख रहे हैं। आपने अच्छे से देखा भी होगा कि रुपया कैसा लिखते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल कोई ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बनेगी, सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। ओके गुड, चलिए पुष्पेंद्र जी बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम निवृत्त, इसी को बोला जाता है संवृत्त की भी बोला जाता है, संवृत्त नहीं, विवृत्त, इसको क्या बोला जाता है, विव्रत भी बोला जाता है। इसमें कौन सा वर्ण आता है, आ आता है, ओनली आ, ओनली आ आता है ओपन में, ठीक है, आ बोलने से ही पता चल रहा ना, आ बोल के देखिए आप, आ रहा है कि नहीं ओपन में, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करें कि हाफ ओपन में, हाफ ओपन में कौन कौन सा आएगा, अ आएगा, ए आएगा और अ आएगा। कौन कौन सा आएगा, ए आएगा और अ आएगा, अ आएगा, अ ए और अ, अ ए और अ। कितनी संख्या इसकी, एक, इसकी कितनी, दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको एक या दो, क्योंकि बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चन पूछता है कि निवृत या फिर विवृत में हमारे कितने वर्ण आते हैं। अब हमको पता ही नहीं है कि निवृत किसको बोलते हैं, विवृत बोलते हैं, हम इंग्लिश मीडियम के ओपन बोलते हैं या फिर हम हिंदी मीडियम के, तब भी पता नहीं रहता किसी किसी को। तो आपको हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी चलना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ों को क्या बोलते हैं। जैसे ओपन में आ निकल रहा है तो इसकी संख्या कितनी हो रही है, एक हो रही है। हाफ ओपन में दो हो रही है, तीन हो रही है, सॉरी यहाँ तीन हो रही है, अ ए और ओ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, जल्दी थम्स अप करें इतना समझ में आया तो, आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हाफ क्लोज में, हाफ क्लोज में कौन कौन सा है, बड़ा ए और बड़ा ओ, बड़ा ए और ओ। ठीक है, इसकी संख्या दो, इसकी संख्या दो। ठीक है, ए और ओ। अगर हम बोल रहे हैं क्लोज की, क्लोज में कौन कौन सा है, क्लोज में कौन कौन सा है, क्लोज में कौन सा आता है, ऊ आता है, बिल्कुल ही बंद हो रहा है ना, क्लोज हो रहा है, ऊ ऊ है ना। तो आप बोल के देखिए, प्रैक्टिकल करिए जल्दी। शिवांगी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें कौन कौन सा आएगा संवृत में, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होगी, चार होगी। आप नोट कर रहे हैं तो फटाफट से नोट करिए ये। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करें, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चल रहे हैं हम ओष्ट के आधार पर, ओठों के खुलने के आधार पर, मतलब ओट जैसे ही खुलते हैं तो उसमें कौन कौन से वर्ण निकलते हैं। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं ओष्ट के आधार पर स्वरों के प्रकार, चौथा लास्ट है हमारा इसमें, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, इसमें एक होता है, एक होता है अवृत्ताकार, जो सर्कुलर बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या, वृत्ताकार, नॉन सर्कुलर और ये सर्कुलर। ठीक है, एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। ठीक है, इसको अवृत्तमुखी या फिर अवृत्तमुखी, और यहां वृत्तमुखी। ठीक है, क्या है कि कोई क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी इतनी टफ कर देता है हिंदी में कि हमको समझ नहीं आती है। ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आवृत्तमुखी या फिर अवृत्ताकार, नॉन सर्कुलर क्या होता है, वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ गोल नहीं होते या फिर सर्कुलर नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है, अवृत्ताकार। ऐसे वर्ड जिसको हम बोलते टाइम क्या होते हैं, मुंह पूरा खुलता ही नहीं है, ऐसा गोल नहीं होता, एलिप्टिकल हो जाता है या फिर कुछ और शेप ले लेता है, तो उसको बोला जाता है अवृत्ताकार। इनकी संख्या कितनी है, अब छः है, इनकी संख्या कितनी है, छः है। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास छः में कौन कौन से आते हैं, तो अ आता है, आ आता है, अ आता है, आ, ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, तो ये छः कौन से हैं, अवृत्तमुखी या फिर नॉन सर्कुलर। ठीक है, और वृत्ताकार जस्ट अपोजिट, जिसमें गोल होता हो हमारा मुंह, तो इसमें से चार ही हैं। इनकी संख्या कितनी है, चार है। आपको इजीली पता हो गया होगा कि उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, तो हमारे वृत्ताकार उ को बोलते टाइम होगा उ को, ओ को और औ को। आप प्रैक्टिकल करें, उ उ ओ और औ। ठीक है, इसमें गोली हो रहा है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल किया, इसमें ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार दो होते हैं, वृत्ताकार में होते हैं छः और अवृत्ताकार में होते हैं छः और वृत्ताकार में होते हैं चार।
ठीक है, इतना क्लियर आपको? डन करें जल्दी से, थम्सअप करें। इतना डन है आपको, जल्दी थम्सअप करें या फिर यस करके लिखिए। चलिए, अब हमने बताया था आपको इसी में क्या कि 13 होते हैं। अब कैसे, ये तो हो गए हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी, 11 हो गए ना इसमें। अब इसमें अम और अहा भी आता है, अम और अहा भी आता है, ये दो आते हैं। इसको बोला जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। ठीक है, इसको बोला जाता है अनुस्वार। ऐसा शब्द या फिर ऐसा वर्ण जिसमें अम की बिंदी हो उसको बोला जाता है अनुस्वार, और जिसमें नासिक के अनुनासिक के, इसको बोला जाता है अनुनासिक के। जब भी किसी वर्ण में अगर उसमें चंद्र बिंदी आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, अनुनासिक के बोला जाता है, ठीक है। और जिसमें सिर्फ अम की बिंदी हो उसको बोला जाता है अनुस्वार, ठीक है। और ये आता है हमारा क्या, अहा वाला, तो इसको बोला जाता है विसर्ग, विसर्ग स्वर, विसर्ग स्वर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ? अब इनको क्या बोला जाता है, इन दोनों को, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अयोग्यवाह, अयोग्यवाह स्वर, अयोग्यवाह स्वर। अब इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि अयोग्यवाह स्वर होते कौन से हैं, बताइए। पूरे 11 हैं और पूरे 13 दे दिया, इसमें बताइए कौन सा है। या फिर एक दो, जैसे कि मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, ए बोल दिया, अ है, बी बोल दिया इसमें, ई है, या फिर सी बोल दिया इसमें, ऊ है, या फिर डी बोल दिया इसमें, ए है। तो आप क्या ऑप्शन देंगे, सॉरी एक ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना उसमें, ठीक है। आप बताइए, अब इजी आपको पता होगा, ऑब्वियसली चीज़ है डी होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें कि अयोग्यवाह के स्वर किसको बोलते हैं, अम और अहा को अयोग्यवाह स्वर बोलते हैं। और जिसमें से अम की बिंदी, जिसमें एक बिंदी लगी हो उसको बोलते हैं अनुस्वार, और जिसमें दो चंद्र बिंदी लगी हो उसको बोला जाता है अनुनासिक, ठीक है। उसके बाद में जिसमें दो बिंदी लगी हो लास्ट में उसको बोला जाता है विसर्ग स्वर, जिसमें हम संधि में बहुत अच्छे से समझेंगे कि विसर्ग संधि कौन सी होती है, तो आपको उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप, ठीक है, मैं देख लेता हूँ कमेंट कि आपका एक डाउट आ रहा है या नहीं, इसमें दिमाग लगाए। ठीक है, आप नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अयोग्यवाह स्वर कौन से होते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, या फिर ध्वनि कितनी होती है, दो। वर्णों की बात करूं तो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है क्या, व्यंजन। तो ऐसे वर्ण जिनको ना तो स्वरों में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में गिना जाता है, उनको बोला जाता है अयोग्यवाह स्वर, अयोग्यवाह स्वर, या फिर अयोग्यवाह बोला जाता है, ठीक है। आप इतना याद रखिए, अयोग्यवाह बोला जाता है। लक्ष्मण जी आप क्या बोल रहे हैं, बताइए जरा, स्पष्ट बोलिए, आप ही बात तो बता दो, सॉरी ठीक है, आप ही बता दो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक आपको क्लियर हो गया है, सारा क्लियर है, अब आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि उच्चारण में हमारे अ से लेकर
औ तक, अ से लेकर औ तक, ये हमारे जो मुंह है उसमें कहाँ कहाँ से निकलता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे मुंह का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं हम। तो ये हुआ हमारा पूरा, ठीक है। अब इसमें देखिए आँख भी बना दो सर, ठीक है। अब इसमें हमने बना दिया आँख, ये हो गया हमारा मुंह, ये जीभ, इसको बोला जाता है कंठ, इसको बोला जाता है कंठ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम ये वाला जो फ्रिक्शन वाला रहता है या फिर खुरदुरा वाला जो रहता है सामने साइड में, आप टच करके देखिए खुरदुरा वाला होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, तालू। और जस्ट इसी के साइड में पीछे साइड एकदम सॉफ्ट चिकना टाइप से होगा, उसको क्या बोला जाता है, इस वाले भाग को मुर्दा बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे दंत रहते हैं यानी दांत रहते हैं, इसको बोला जाता है दंत, ठीक है। और ये हमारी लिप्स है, मतलब इसको ओस्ट। तो ये क्या हुआ, हमारे कुछ मुंह में आकृति बनी रहती है जिसको हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं उच्चारण आधार पर हमारे स्वरों को कहाँ कहाँ से बोला जाता है, ठीक है। उच्चारण आधार पर हमारे जो स्वर हैं उनको कहाँ कहाँ से बोला जाता है। तो सबसे पहले देखें हम उच्चारण के आधार पर, तो कंठ से क्या क्या बोला जाता है, यहाँ से कंठ जो है हमारा यहाँ से कौन कौन सा बोला जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, कौन कौन से वर्ण होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें। कंठ से कौन सा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट सेंट्रल एंड स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर्स एग्जाम्स सब्सक्राइब द चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट नाउ।